अगली हेडिंग लिखो टेस्टिस। स्ट्रक्चर होंगे टेस्टिस, ये 250 लोब्यूल्स होंगे है। हरेक लोब्यूल के एक तो लैके तीन सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स होंगे है। हरेक लोब्यूल च एक तो लैके तीन सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स होंगे है। ते एबडोमन तो आउटसाइड होंगे, जिहड़ी उपरली लाइनिंग होंगी है उहनूं आपां कहिंदे आ ट्यूनिका, ट्यूनिका एलब्यूजिना लाइनिंग ऑफ टेस्टिस इज नोन एज ट्यूनिका एलब्यूजिनिया एलबुजिनिया। उस तो बाद समर्स दे समर सीजन जिहड़ी स्किन होंदी आ वो थोड़ी थोड़ी एक्सपेंड हो जाती है, क्योंकि बॉडी का टेंपरेचर ज्यादा होंदा है ते उन्हें बॉडी तो दूर करना होंदा है, ठीक है। ते विंटर दे विच ये जिहड़ी स्किन होंदी है कंट्रैक्ट हो जाती है, ठीक, क्योंकि बाहर जिहड़ा टेंपरेचर होंदा वो ज्यादा ठंडा होंदा है ते बॉडी कोले जाना होंदा उन्हें, ठीक है। तां जिहड़ा यह कंट्रैक्शन जां एक्सपेंशन हुंदी है ये विद द हेल्प ऑफ बैठो मसल्स हुंदी है, विद द हेल्प ऑफ मसल्स, ठीक है। ये जिहड़ी एक्सपेंशन ते कंट्रैक्शन है ये मसल्स दी हेल्प नाल हुंदी है, ते इन्हां मसल्स दा नाम हुंदा है क्री, CRE, MARTER, MASTER, क्री मास्टर मसल्स। ठीक है, CREMASTER मसल एंड DARTOS मसल, दो तरह के मसल है जिहड़े इहदी एक्सपेंशन ते कंट्रैक्शन च हैल्प करदे आ। ठीक है, टेस्टिस दे विच किन्ने लोब्यूल्स होंदे आ, लगभग 250। हरेक दे विच की होंदे आ, एक तो लैके तीन सेमनी फेरस ट्यूबल्स होंदे आ, ते जिहड़ी इहदी लाइनिंग होंदी आ उहनूं आपां कहिंदे ट्यूनिका एल्बू जीनिया, ठीक है। उस तो बाद आपां लिखांगे, लिखो एक तो लैके जिहड़े तीन सेमनी फेरस ट्यूब्यूल्स है वो अगे जाके मतलब कट्ठे होके, वो कट्ठे होके चाहे अगे जाके कह लो चाहे कट्ठे होके कह लो, मतलब उदू अगे एरो पा लो बस तुसीं, ठीक है। वो बनता है ट्यूबुला रेक्टाई, TUBULARECTI। ट्यूबुला रेक्टाई है जिहड़ा वो ज्वाइन करके सेंटर दे विच बनते हैं रेटे टेस्टिस। जिहड़ा ट्यूबुला रेक्टाई है वो सेंटर दे विच कट्ठे होके ज्वाइन करके बनते हैं रेटे टेस्टिस, RETESTIS, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस दे विचों निकलूगा वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया। रेटे टेस्टिस चो निकल गिया वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया जुड़ के एक डक्ट बनाऊगी जिन्हों आखांगे एपीडीडाइमिस, एपीडीडाइमिस। वासा एफरेंशिया जुड़ के बनूंगा एक कोयल्ड डक्ट विच इज नोन एज एपिडीडाइमिस।
एपिडाइमिस के तीन पार्ट होंगे, एक हैड, एक बॉडी अते एक टेल। चलो भी नाल नाल डायग्राम बना लो, ठीक है। बना लो। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਪੀ ਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਚਾਰ ਪੰਜ ਲਾਈਨਾਂ ਜੀਆਂ। चलो भाई, आह जड़ियां विच्चों निकलियां ने, सारों पहला देख लो आ की है। ये विच देखो आ की है लोबियूल्स है, की आह लोबियूल्स ये विच आह की है। आह इन आप कहने सेमनी फेरस ट्यूब्यूल्स, एक तो तीन है, आप एक ही बनाई है, ठीक है। एक तो तीन हो सकती है, आप एक ही बनाई है। जिहड़ी आ लाइनिंग है इहदा नाम मैं तुहानूं दस्सता सी ट्यूनिका एलबीयू। ते जिहड़ा देखो सेमनी फेरस ट्यूब्यूल्स चों निकलदा बणदा की बणदा हुंदा सीगा, ट्यूबुलर रेक्टाई। ट्यूबुलर रेक्टाई आ ट्यूबुलर रेक्टाई हो गया। हाँ ये सारियां कट्ठियां हो गई, बचाले की बनदियां सी, अब बचाला आ गया ना, अब बचाले आ गए। आ की सीगा रेटे टेस्टिस, फिर तुसी लिखिया रेटे टेस्टिस दे विचों की निकलूगा वासा एफरेंशिया, की निकलूगा आ वासा एफरेंशिया हो गया। बंदा आ निकल रहे हैं विचों दे वास, आ निकल रहे ये वासा एफरेंशिया कह लो, जाए नू एफरेंट डक्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एफरेंट डक्ट्स चाहे वासा एफरेंशिया कह लो इनू। फिर वासा एफरेंशिया चो की बनता हुंदा सी, जुड़ गई इत्थे इत्थे जुड़ गई, ते आ की है सारा स्ट्रक्चर एपिडिडाइमस। की है ये एपिडिडाइमस, आ सारा आ गया, सारा एपिडिडाइमस है इत्थों तिकर। आ इहदा हैड है, आह इहदी बॉडी है, ते आ इहदी टेल है, ठीक है। डन। एपिडाइमस तो ही गां जड़ी जड़ी आह ट्यूब पतली हो जाती है, इनू कह लें आप वास
डेफरेंस, ठीक है, इन्हों आप डक्टस डेफरेंस भी कह सकते हैं, डक्टस डेफरेंस। क्लियर हो गया ना डायग्राम सर। एपिडाइमिस दे तीन पोर्शन है, एक हेड, एक बॉडी ते एक टेल। जिहड़ा हेड हुंदा है उहदा नाम आपां की रखदे हां, लिख लो, हेड दा नाम हुंदा है CAPUTE, कैप्यूट, कैप्यूट। बॉडी दा नाम हुंदा है कॉर्पस, ते टेल दा नाम हुंदा है काउडा, काउडा। ठीक है, क्लियर हो गया है। CAUDA। हुण आपां गल करांगे इह दो अगले डायग्राम दी, हटा दईए। हुण ना नाल नाल बना लिओ, फिर आपां वेखदे आं। ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਾਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੈਮੀਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਟੈਸਟਸ ਦੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਬੈਠਾ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈਲਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਡਿਗ ਸੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਲੇਡਿਗ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਰਾ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਹੈ ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲਸ, ਆ ਕੀ ਹੈ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਪਰਮ ਨੇ ਬਰਥ ਲੈਣਾ, ਸਪਰਮ ਬਣਨਾ ਜਿੱਥੋਂ। ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਬਣੂਗਾ ਸਪਰਮਾਟਿਡ, ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਪਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ, ਲੇਡਿਗ ਸੈੱਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੈਮੀਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਣਾ ਲਓ ਫਿਰ ਲਿਖਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਆ, ਇਹਦੀ ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਆ ਦੀ ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿਓਸਿਸ ਹੋ ਕੇ ਸਪਰਮ ਬਣਦਾ, ਮਿਓਸਿਸ ਹੋ ਕੇ ਸਪਰਮ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਡਿਗ ਸੈਲਸ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਫਿਸ, ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੇਡਿਗ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਇੰਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਬਈ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਰਟੋਲੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਰਸ ਸੈਲਸ, ਨਰਸ ਸੈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਰਸ ਸੈਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ, ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਇਹਦਾ, ਇਹਦਾ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਸਸਟੈਨ ਟੈਕੂਲਰ ਸੈਲਸ, SUSTAN TACULAR ਸੈਲਸ, ਸਸਟੈਨ ਟੈਕੂਲਰ ਸੈਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਟਰੋਕ੍ਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ, ਟੈਸਟਿਸ ਕਿਹੜਾ ਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਹੈਟਰੋਕ੍ਰਾਈਨ। ਹੈਟਰੋਕ੍ਰਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ,
टेस्ट तो एक दा बंद है जे तू स्पर्म जेड़ा कि लेडिंग सेल्स तो बनता है सारा है तो टेस्टिस दे विच ही है ना सारा सिस्टम ठीक है। तो तुसी एक होर देखो जेड़ा लेडिंग सेल्स है वो अंदर है कि बाहर है इस डायग्राम में बाहर है तो वो एक्सोक्राइन है। लेडिंग सेल्स जो बनाते हैं ना टेस्टोस्टेरोन सॉरी हाँ टेस्टोस्टेरोन ता नहीं किमें स्पर्म लिखे हाँ स्पर्म कौन बनाऊगा स्पर्म लेडिंग नहीं बनाएंगे लेडिंग तो बनाता सी हॉर्मोन्स। स्पर्म की गल करते हैं पहला देखो ये जो टेस्टिस है हेटरो है हेटरो मतलब ये दो चीजा बनाता है एक तो बनाई जाता है स्पर्म एक बनाई जाता है ये टेस्टोस्टिरोन। स्पर्म कितों बनता है स्पर्मेटो गोनिया तो ठीक है स्पर्म तो सी ना आप स्पर्म बनता है भाई स्पर्मेटो गोनिया हूँ एक चीज ना स्टार पाके देख लो जो एग्जोक्राइन एंडोक्राइन है वो लोकेशन के हिसाब से नहीं है वो चैप्टर अपना बायो का 10वीं का एंडोक्राइन सिस्टम याद आ गया। एंडोक्राइन का मतलब होंगे जितों की निकलते होंगे हॉर्मोन्स की निकलते होंगे सी याद एंडोक्राइन सिस्टम याद नहीं सीबीएसई थोड़ा थोड़ा सी आईसीएसई चैप्टर ही सुनू एंडोक्राइन चो जिमें कि देखो एड्रेनल एड्रेनलाइन हार्मोन निकलता होंगे इंसुलिन निकलता होंगे थायरॉयड चो वह चीजा जेडे थोड़े बॉडी पार्ट चो बई हार्मोन निकलूगा वह कादा हिस्सा हो गया वह एंडोक्राइन का हो गया कादा हो गया वो यदा मतलब जेड़ा एंडोक्राइन का हिस्सा वह लेडिग है तो फिर स्पर्मेटोगोनिया कादा हिस्सा वह एंडोक्राइन का है नहीं गा वह फिर एग्जोक्राइन का है समझ आया। एग्जो वर्ड क्यों यूज किया बेसिक दसना स्पर्म बारे लिख लिया आप हूँ आप लिखा टेस्टिस बनाते हैं मेल हॉर्मोन जिदा नाम है टेस्टोस्टिरोन वो कौन बना टेस्टिस लेडिंग सैल्स तो जदों हॉर्मोन बनेगा वह कि सिस्टम होगा एंडोक्राइन तो आप कह देंगे एंडोक्राइन लेडिग बनाते हैं टेस्टोस्टिरोन उपरले नंबर लिखी सी एग्जोक्राइन च स्पर्मेटोगोनिया बनाता है स्पर्म तो टेस्टिस कला दो दो काम सामभ जाता है इनू आप कह देंगे हैट्रोक्राइन ग्लैंड ठीक है। सरटोली का काम तुम लिख लिया लेडिग का काम तुम लिख लिया लेडिग का दूजा नाम आ जाता है यदा दूजा नाम होंगे लेडिग का नहीं सच हाँ लेडिग का तो आप लिख लिया इंटरस्टिशियल टेस्टोस्टिरोन का दूजा नाम आ जाता है गेरी एंड्रोजन की नाम होंगे एंड्रोजन एंड्रोजन डायग्राम वाला सिस्टम सारा हो गया हूं अपना थोड़ा अगे वादे हैं लिखो एक्सेसरी डक्ट्स एक्सेसरी डक्ट्स दे विच की आ जाता है भी सहायता दे विच विच की आ गया ठीक है। एक तो आप देखा ट्यूबुलर रेक्टाई ठीक है ट्यूबुलर रेक्टाई देख लिया ना मैंशन करता ही ना डायग्राम च आप सीधी सीधी लाइन से सेमनीफेरस ट्यूबल्स तो अगली सीधी लाइन ठीक उदू बाद ट्यूबुलर रेक्टाई कट्ठे होकर की बनते थे सेंटर च रैटी रैटी टेस्टिस उदू बाद रैटी टेस्टिस की बन जाता सी वासा एफरेंशिया एफरेंशिया वासा एफरेंशिया तो की बन जाता सी एपीडी डायमिस तो की बनता होंगे सी वास डिफरेंस यानी कि ये सारे एक्सेसरी आ गए मेन तो दो बंदे ही है ठीक है। हुण आपां गल करांगे थोड़ा थोड़े एक एक लाइन के मेन मेन पॉइंट लिखांगे आपां जिहड़े जरूरी है पेपर च आ जांदे आ। रैटी टेस्टिस कनैक्ट वासा
नहीं, मेन तो गल टेस्टिस ही है। टेस्टिस दे विच भी मेन की है सेमीफेरस ट्यूब्यूल दी है, ठीक है। उस बाद वाला सारा बाद वाले ने तो लेके जाना है, बनाना कि नहीं है सेमीफेरस ट्यूब्यूल ने, ठीक है। ये चीज है, लेके जाने वाले बंदे अपने एक्सेसरी डक्ट्स आ गए सारे। पहला आपा देख लिया ट्यूबुलर रेक्टा, हुण आपा पॉइंट कर रहे हैं। पहला रेटिटेस्टिस कनेक्ट डैश एंड डैश, दसो की आऊगा। डायग्राम तो देख लेना, सेमनीफेरस ट्यूबल्स में जोड़ दिया हो, कादे नाल जोड़ दिया हो, वासा अफरेंशिया नाल, ठीक है। डैश जा गया सेमनीफेरस ट्यूबल्स, अगली डैश जा गया वासा अफरेंशिया। फिर आप गल करिए वास डिफरेंस, जी आप पतली जी ट्यूब बनाई सी वो फिर गांह कितने जाके ओपन हो जाती है। अगला पॉइंट लिखो, वास डिफरेंस ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की होंदा है, यह होंदा है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, हुण आपां एक होर चीज करांगे। कहना असल दे विच जदों आपां इस रास्ते राही जाने हैं तां कई तरह के ग्लैंड्स आपां नूं राह टक्करदे हैं, ठीक है। कई तरह के ग्लैंड्स राह टक्करदे हैं, ते उन्हां ग्लैंड्स दा आपां नूं पता होना चाहीदा है। ते ओह स्टार्ट करन तों पहलां आपां नूं फिर एक डायग्राम बनाउणा पौ। 2 मिनट जिन्ना किता उन्ना पढ़ लो छेती। चलो बई हुण इहदे बारे 2-3 गल्लां लिख लो। सारनों पहलां आपां देखिया वी जदों आपां टेस्टिस तों जाने हां एपीडाइमस, एपीडाइमस तों आपां जाने हां देखो वास डिफरेंस जा वड़े आपां, वास डिफरेंस तो बाद च आपां यूरेथरा च आ गए। पर राह दे विच 3 चीजां आ गईं जिहड़ियां आपां मिस कर गए। एक तां आ गया सेमिनल वैसीकल, एक आ गया प्रोस्टेट, एक आ गया बल्बो यूरेथरल ग्लैंड, ठीक है। शक्ल जरूर देखो इन्हां दी, जिहड़ा सेमिनल वैसीकल आ उह किहो जिहा, प्रोस्टेट किहो जिहा, ते बल्बो जमां छोटा जिहा। इह 3 ग्लैंड ने, ठीक है। तां इन्हां नूं आपां आखांगे ये असैसरी ग्लैंड आ गए जिन्हां दा मेन फंक्शन हैगा। फिर देखो बल्बो यूरेथरल तो बाद च आपां पहुंच गए यूरेथरा दे विच। यूरेथरा जिहड़ा हैगा ओपन हो गया थल्ले, जिहड़ा एक स्वोलन जिहा पार्ट हैगा उहनूं आपां पेनिस दे नूं ग्लैंड स्पीनस कहिंदे आ, ठीक है। ते इक जिहड़ी उत्ते स्किन बणाई आ उहदा नाम हैगा फोर स्किन, ठीक है। हुण इहदियां 2-3 गल्लां लिख लो। कहिंदा भाई जिहड़ा तां हुंदा प्रोस्टेट, प्रोस्टेट तुहानूं देखण च 2 लगदे आ पर इह सिंगल है, ठीक है। इह पूरा ही आ, इहदे पिछे आ गया इहदे ट्यूब दे, डन। प्रोस्टेट सिंगल हुंदा, जिहड़ा सैमिनल वैसीकल है भाई उह 2 हुंदे आ, 2 दिखी जांदे देखो आपां नूं। जिहड़े बल्बो यूरेथरल वो भी किन्ने दिख रहे ने आपां नूं, 2। क्लियर। जिथे पीनस ओपन हुंदा भाई इस हिस्से दा नाम हुंदा मीटस, MEA, इत्थे MEATUS, मीटस। हुण आपां गल करांगे असैसरी ग्लैंड्स दी, जिहड़ा पैर ते आ उहदा नाम हैगा सेमिनल वैसीकल। ये 2 हुंदे आ, यानी कि पेयर च हुंदा है, इह पेयर च हुंदा, ठीक है। इहदा काम की है लिख लो, इहदा काम हैगा स्परम नूं न्यूट्रीशन देना, न्यूट्रीशन देना, फ्रुक्टोस देना, फ्रुक्टोस, कैल्शियम आयन देना। एक शुगर दिंदा होर स्परम नूं, उहदा नाम हुंदा है आयोनोसिटोल शुगर, आयोनोसिटोल
सिटोल, INOSITOL शुगर, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਨਰਿਸ਼, ਤੇ ਨਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਪਰਮ ਦੇ ਨਾ ਕਲੋਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਲੋਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਲੋਟ, ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਕ ਕਲੋਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲੋਟਿੰਗ ਇਨਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਪਰਮ ਦੀ ਕਲੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਲੋਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਟੱਕਰਿਆ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਐਂਟੀ ਕਲੋਟਿੰਗ ਇਨਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਲੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਰੈਲਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫਿਬਰੀ, FIBRI, ਫਿਬਰੀ, NOLYSIN, ਫਿਬਰੀਨੋਲਾਈਸਿਨ, ਫਿਬਰੀਨੋਲਾਈਸਿਨ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਲੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਲਬੋ ਯੂਰੇਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਅਰਡ ਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕੋਪਰਸ ਗਲੈਂਡ। ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕੋਪਰਸ ਗਲੈਂਡ। ਇਹ ਉਸ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਮ ਲਿਊਬਰੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਰ ਦਾ ਲਿਊਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਪਰਮ। ਕਲੈਰਿਟੀ? ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦਾ ਟਿਪ ਆਫ ਪੈਨਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਲਾਰਜਡ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਸਕਿਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਰੀਟ੍ਰੈਕਟੀਬਲ ਫੋਲਡ ਹੁੰਦਾ। ਰੀਟ੍ਰੈਕਟੀਬਲ, RETRACTIBLE, ਰੀਟ੍ਰੈਕਟੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਸਕਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਪਿਊਸ, PREPUCE, PREPUCE, ਪ੍ਰਪਿਊਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ ਇਨ ਦਾ ਮੇਲ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਦ ਹਾਰਮੋਨ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰ ਬੋਥ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕਰੈਕਟਰਸ। ਚਲੋ ਬਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ, ਫਿਲ ਦਾ ਗੈਪ, ਫਿਲ ਦਾ ਗੈਪ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲਿਖੋ ਜੀ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਲਿਖੋ ਜੀ ਰੈਟੀਟੈਸਟਿਸ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲਿਖੋ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਲਿਖੋ ਰੈਟੀਟੈਸਟਿਸ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਡੱਬਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬਲੈਂਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੈਪ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਲਿਖੋ ਜੀ ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਿਸ, ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਿਸ। ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਫਿਰ ਗੈਪ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੈਪ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ। ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਲਿਖੋ ਯੂਰੇਥਰਾ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਲਿਖੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰੋਲ ਆਫ ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਿਸ, ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਿਸ ਇਨ ਦਾ ਮੇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ।
अगे लिखो, डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड कॉमा काउपर्स ग्लैंड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगला लिखो, व्हाई सर्टोली सेल्स आर नोन एज नर्स सेल्स। अगला लिखो, हाई टेम्परेचर डज नॉट फेवर्स मेल फर्टिलिटी। डू यू एग्री? हाउ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एस एच ई डू यू एग्री के बाद हाउ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रिवेंट्स इटसेल्फ फ्रॉम हाई टेम्परेचर। What is the difference between sperm and semen? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬਈ। ਜਦੋਂ ਸਪਰਮ ਸੈਮਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਡਿਗ। अगला, नेम द मसल्स इन द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्क्रॉटम। What do you mean by acrosome? Draw diagram. नहीं कराया है थोनू ते अगे लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन Which portion of the sperm? Which portion of the sperm? Again, okay, hope. Draw the label diagram of a sperm. Acrosome वाला की क्वेश्चन लिखे आप हमने, और देना फंक्शन भी पाल वेदा फंक्शन की है। ते डायग्राम मैं थोड़ा भेजता तुम घरे आके बनाना है, ठीक है। स्पर्म दा एंड अगे लिखो, आफ्टर टेस्टिस
स्पर्म इज स्टोर्ड इन डैश फुल स्टॉप. व्हाट डू यू मीन बाय रैटी टेस्टिस? अगे ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस. अब पहला बना लिया बच्चे ठीक है. अगला क्वेश्चन लिख लो. एंड लिस्ट द इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. व्हाट डू यू मीन बाय ब्लास्टोसिस्ट? बस इन्ने क्वेश्चन है ठीक है. अज्ज ये उतो तक जितने तक आप करे.